आपका साल कैसे फील कर रहे हो आप? क्या अपनी वो दे देना चाहिए या रुक जाना चाहिए? पढ़ते जाना, ये ऐसी होती जा रही है भाई। बज गया पांच, क्या एक बजे लगी थी मम्मी? एक बजे तो पांच बज गया। दोनों फोन तो दड़ा दड़ा ला। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। और भाई आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल वहाँ से आए, वहाँ से आते के साथ इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब गला वाला और सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द का फीवर हो गया। फिर मतलब ये था, बस बच्चे ही रो पीट के पढ़ाए थे थोड़े बहुत, अदरवाइज फिर कुछ नहीं करा। और अब हुई हूँ फ्री, काम वाम करके सारा टाइम भी 1:30 बज रहा हूँ। खाना वाना खा लिया, काफ़ी देर हो गई वैसे फ्री हुए तो, बट रेस्ट कर रही थी वैसे ही। आज हमने और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है धीरे धीरे करके, तो कपड़ों वपड़ों का हो गया, बस बच्चों का रह रहा है, वो भी आज शाम तक या फिर कल कर देंगे। और अभी है सबको इनविटेशन देने का नंबर, तो जो भी घर कुंडे की बहन बेटियाँ थी सबके नंबर तो मम्मी ने कलेक्ट कर लिए हैं, उनको फ़ोन करेंगे, अपने वालियों को करेंगे, अपने रिश्तेदारों में करेंगे, मैं अपने पीहर वालों को करूँगी, जो भी मेरी जीजी वगैरह सब है, जो भी मम्मी हर भाई भाभी, ठीक है, तो मम्मी तो आएगी नहीं, सबको पता है ना, बट भाई भाभी आएंगे। और कौन कौन आएगा वो दिखा देंगे, नंबर मम्मी ने 2 दिन से ला के रख रखे मेरे पास, कि उनको संभाल के रख लियो। अब लेके चलते हैं सारी स्लिप, कितनी सारी पर्चियाँ हो गई सबके पास, क्योंकि मुझे तो देखो कोई जानता ही नहीं है, है ना, कुंबे की बहन बेटियाँ, क्योंकि हमारी एज से कुछ काफ़ी बड़ी है, जो अभी कम एज की जो लड़कियां हैं जो हैं जानती हैं उनके तो वो ही जाएगी, बट फिर भी मम्मी फ़ोन करेगी, मैं उनसे वैसे बोल दूँगी अगर नीड पड़ी तो, अदरवाइज़ मम्मी कहेंगी सबसे, क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं, मम्मी को जानते हैं तो मम्मी के थ्रू ही बात हो रही है। अपनी बहन बेटियों को मैं खुद कर दूँगी, उनको तो मैं जानती हूँ, वो लोग भी मुझे जानते हैं। और जितना चाव करते जा रहे हो उतनी ऐसी होती जा रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है, बट बस तभी इतनी रेडी पीट थी। क्या गर्ल मीटिंग कर रही हो? पूजा गर्ल। अच्छा, वाली है और कहाँ है? बुढ़े लिए यही तो है बस, ये टीकरण खातर दूध पीने खातर किस काम है? दोनों कितना दिन होले बयान है? क्या कर रहे हैं आपका? दस साल। कैसा फील कर रहे हो आप? क्या डिवोर्स दे देना चाहिए या रुक जाना चाहिए? जाता तो बढ़िया रहता। हैं? दे देता तो? अच्छा रुक जाता, लेट करनी थी आपने शादी है? अब करता है? अब करता? फोन ऑन तो कर दिया सबके पास, 2 चार्जर रह गए जिनका मिला नहीं था, अब कर देंगे। और हाँ राजकुमार, हेलो, अब है कौन ना वीरू? ठीक है, ठीक है भाई, और बढ़िया सब। मारी मम्मी कही थे 12 को भंडारो, बता रही कही थे 11 को कचरा कह रही 12 राज्यों दिन में कीर्तन है, एक दिन को बता रही है, राम जाने के क्या करेगी, सब कंफ्यूज कर रखे हैं, सब फोन करेगा आपस में, मेरा क्या क्या कब जान हुआ है, कर ही दिया पर तोड़ ताड़ के नोता तो पूरा है, मारो होगा पूरा ही, बाद में दो आप कर दियो अपनो, ठीक है क्या को? हाँ अभी तो कई रह रहा है, हाँ भाई बज गया पांच, क्या 1 बजे लगी थी मम्मी? 1 बजे 1 बजे तो 5 बज गया, दोनों फोन तो दड़ा दड़ा लगा, और सिर्फ फोन करने में कहीं तो फालतू बात तो करी भी नहीं 5 घंटा, मतलब कि सोचो 4 घंटे नहीं, हाँ चार पांच जितने भी, और अब फ्री हुए हैं, अब देखो बस एक तो सबका दौरा हो लिया, अब तो होगा सबका, अब बस वैसे मम्मी की रहेगी टेंशन, मेरी तरफ तो खत्म ही था, माँ बेटा कहता रही अपने जैसे कर लो टाइम वगैरह, सारा काम हो रहा है, आप उठ जाओ बस, इनकी बारात में जाओगा ना यही गांव वाला की में, ये बा
अच्छा तो अभी तो इनकी तो गुड़चिड़ी बना निकली है। ठीक है जाडो चढ़ो है जर्सी पहन लो। मैंने तो पहन रखी है। हाँ बेटा अपना ये जूता सुगा उधर जूता सुगा। छोटे बेटे का बर्थडे देवांश का तो सारे हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट में जाके। और आज देखो हमारे घर कौन कौन गेस्ट आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं दोपहर तक आ जाएंगे और कुछ कल आ जाएंगे और परसों फाइनली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है। तो आज क्या सेलिब्रेशन होगा कैसे क्या कुछ करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। और बाकी अभी तो बस मैं कुछ नहीं करी, दूध आया था अभी इसको गर्म करती हूँ, बाकी किचन वगैरह सब क्लीन है, खाना भी नहीं बनाया, थोड़ी देर में बनाएंगे ठीक है, क्योंकि अभी साफ सफाई करके फिर एक बार बच्चे नहा लेंगे खाना बना देंगे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है सैटरडे है ना इसलिए मेरे बच्चों का ऑफ रहता है। और कौन आया है वो मैं मिलाऊंगी अभी, पहले मैं बच्चों के लिए काट रही हूँ फ्रूट्स, ये रखे हुए यहाँ पे एप्पल और एक गावा, तो चलो उनके लिए फ्रूट्स काट देते हैं और फिर मिलवाते हैं क्योंकि उस वाले रूम में सारे बच्चे। ठीक है यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही थी और यहाँ देखो एप्पल दो लिए, पहले तो मैंने मेरे को लगा ठीक होंगे बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे थे बट बहुत सारे एप्पल तो खराब निकले हैं, मतलब पांच लाई थी तो उनमें से तीन खराब निकले, दो अच्छे निकले, दिख भी रहा होगा आपको अभी जब मैं साफ करी। और बच्चे सारे उधर हैं तो अभी उनको थोड़ा सा नाश्ता पानी कुछ करवा देते, खाना बनने में क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है और आजकल थोड़ा बिजी ज़्यादा चल रहे हैं तो काम में भी सारा लेट लेट होता रहता है। और सोच रहे थे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनेंगे बहुत होगा बट बनाएंगे है ना, लेकिन बिजी इतना ज़्यादा हो जाता है पूरा दिन, मतलब भाग दौड़ में निकल जाता है, कभी भी ये तो लगता है नहीं कि चलो फ़ोन उठा लो, बट फिर भी जैसे तैसे हो पाएगा, आप लोगों के व्लॉग्स तो आते रहेंगे जैसे तैसे, बस हाँ ये हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि कुछ एक थोड़ा नेटवर्क का इशू भी चल रहा है हमारे इधर पर, हमारा वाईफाई में दिक्कत आ रही है इसलिए, तो बाकी सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। और अभी मिलवाएंगे वहाँ जाके अपने आए जो गेस्ट आए हैं उनसे।
तो इतने सारे फ्रूट्स में से कितने सारे एप्पल्स तो खराब ही निकले हैं, है ना, ये भी दिक्कत है। चलो अभी चलते हैं बच्चों के पास फ्रूट्स लेके, उस वाले रूम में बैठे ट्यूशन वाले में भी मिलवाती हूँ आपको। टन टन, हेलो बोलो, वो कहाँ गया छोटा? अच्छा ये बैठा है अभी। हेलो बोल रिशु, हेलो बोलो। नहीं रे छोरा, रिशु हेलो बोलो। रिशु रिशु, हाँ मैं खाने बना दूंगी, हेलो बोलो पहले, हेलो बोलो वरना चीज नहीं दूंगी, जल्दी बोलो। इसका अपने मन की मौज है भाई, ये रुद्रा और इसका हैप्पी बर्थडे है, और ये मेरा बेटा। हेलो बोलो परीक्षित, बोल दे। अरे हेलो तो बोल दे, बोल दे। केक नहीं दूंगा तेरे को, अपना चॉकलेट। बोल बोल जल्दी, हेलो। हाँ बस इतना टाइम लगता है हेलो कहने में। टू जी बी अच्छा, ना भाई ऐसे सर में पत्थर और ऐसे नहीं करते, गंदी बात है। लो फटाफट अपने फ्रूट खा लो, आ जाओ। रिशु ले बेटा नीचे बैठो, रिशु नीचे बैठ बेटा, खा लो। मैं काम कर रही हूँ अभी बेटे, इसमें ये सारे कट कर दिए, बहुत सारे तो खराब निकले, इसी में खा लो सारे भाई, बैठ के बैठ जाओ। और यहाँ पे देखिए टीवी अपना है, मैं तो जा रही हूँ, खा ले परीक्षित, बैठ के खा ले। और ये नेक्स्ट गेस्ट आ गया, क्या इधर डिली हो रही हो? राम राम, आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ। कितना कितना खा लिया? देवास्तर सृष्टि थे ये दो है जो मतलब कोई आंकड़ो ना रहे ना, जिसके मतलब की खाने को की कोई कितना भी खा सके है। तो मैं अपने बुका ही उठ जाओ रे, ऐसा अच्छा तो कहीं बढ़िया सी पार्टी करियो, जाके रेस्टोरेंट में ऐसा 1000 रुपया करो। अच्छा किसने बोला? चलो अरे तो क्यों ले रहा है, किसी ने अभी खुद आई मित्र ऊपर बिट्टो। ये कौन है? फिर भी ना बुझी। जाओ अभी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी। ये खा लिया, माँ जी को भी खिला दो। हाँ बस सबको खिलाओ। पापा खिलाओ, पापा को, पसंद आ रहे।
थोड़ा 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 जी पूजा आप खुद आप खुद ना आप धीरे 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 डर रही है खा ले बेटा खा ले कुछ ना कहे खा ले युवांशी आगे ताई जी खिलाओ हाँ युवांशी तूने भी किया था ना इसके बर्थडे में तेरा भी करेगी हाँ अलग अब थैंक यू तो बोल दे गिफ्ट ले रहा है हाजी हेलो एवरीवन तो भाई हो गया सारा आज देवांश का बर्थडे था सुबह से जाके अब टाइम मिला है व्लॉग का तो बल्कि टाइम नहीं मिल रहा हम सोच रहे थे मस्त मस्त व्लॉग बनेंगे खूब सारी चीज़ें होंगी तो आपको दिखाएंगे बट क्या करें टाइम नहीं मिल रहा वो ज़्यादा बट फाइनल अभी जीजी भी आ गई हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी काम वाम में भी वैसे भी ठीक है तो अभी थोड़ा सा हो जाएगा तो बीच बीच में बनाते भी रहेंगे और अभी हमने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया देवांश के बर्थडे पे भी केक कटिंग अपने घर में कर ली थी घर घर के बंदे बुला के सारे बच्चे आ रहे थे बस ये सब करके और ज़्यादा हमने बड़ा कुछ नहीं किया क्योंकि अब 3-4 दिन है तो कल से गेस्ट कुछ आना शुरू तो कल रात से हो गए थे जैसे आपने देख ही लिया सुबह परीक्षित आ गए थे फिर शाम को जीजी आ गई थी कल सब लोग आ जाएंगे मामा मम्मी वगैरह और बुआ के वहाँ से देखो कौन आता है ठीक है तो बुआ आएंगे तो वो आ जाएंगी और शायद भाभी वगैरह जो भी जिसको भी आना होगा मतलब कल शाम तक ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे जो दूर वाले रिश्तेदार हैं जो पास के वो तो मेरी बहन मैंने तो वो सब जस्ट तुरंत के तुरंत आएंगी तुरंत चली जाएंगी फिर नेक्स्ट डे फिर से आ जाएंगी ठीक है तो उनका भी देखते रहेंगे जो भी आएगा दिखाएं अभी फिलहाल जो बच्चे हैं नीचे सारे कैसे उधमस मचा रखा वो दिखाती हूँ पहले तो घर का हाल देखो ये देखो कुछ ऐसा तो कर रखा है घर का हाल सब कुछ उथल पुथल कर रखा है सब कुछ गिफ्ट आए थे तो गिफ्ट जो भी आए थे ना बच्चों के वो दिखाएंगे और ये देखो क्या रिशु मन लग रहा है लग रहा है मन नहीं लग रहा लग रहा है मन लग रहा है बेटा दूर हो जाओ लग गिर जाओगे अब दूर बहुत ज्यादा लग रहा है ठीक है तो थोड़ा सा दूर हो जाओ ग्रिल से शशि दूर कर ले बेटा लग जाएगी और ये देखो सारे सारों ने आतंक मचा रखा है ओए देवांश ऐसे लग जाएगी चप्पल मत फेंको इसको कितना खुश हो रहा है सारे बच्चों को देख के सारी के सारे मचा रखे सारे